दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे इस तरह से ऐप्स को ला सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सेल, एडोब ऐप, ये सब कुछ ला के रखा हुआ है। तो होता क्या है, जब आप नॉर्मली ऐप्स को इंस्टॉल करते हो, ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली सर्च में जाते हो। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सर्च कर लेते हो और ये एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो। तो जैसा कि आपके मोबाइल के केस में प्ले स्टोर होता है, जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, लैपटॉप में आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो तो उसमें ऐप को इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आता है। इसको आप लैपटॉप का प्ले स्टोर समझ सकते हो। यहाँ से ही आप किसी ऐप को सर्च करते हो और उसको इंस्टॉल करते हो। सिंपली आपको ऐप को सर्च करके ऐप को ओपन करना होता है और गेट पे क्लिक करके आप ऐप को इंस्टॉल कर पाते हो। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। अगर आपको पता करना है कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कौन कौन सा ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो सिंपली आप सर्च में जाओगे। सर्च में जाने के बाद आप सर्च में टाइप करोगे ऐप्स एंड फीचर्स, तो आपको ये दिख जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके लैपटॉप में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हो मेरे पास ढेर सारे ऐप्स इंस्टॉल हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ऐप भी व्हाट्सएप भी इंस्टॉल किया हुआ है मेरे लैपटॉप में, लेकिन होम स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में इसको कैसे होम स्क्रीन पे लाना है? इसके अलावा कंट्रोल पैनल, दिस पीसी, ये सारे ऐप भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इन सबको भी मैं आपको ला के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं पे भी राइट क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि ये लास्ट वाला टिक किया हुआ है, सो डेस्कटॉप आइकन्स, इस पर टिक किया हुआ है, तभी आपको डेस्कटॉप आइकन यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग जो कि विंडोज़ के साथ ऐप्स आते हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, फिर से पर्सनलाइज में चले जाना है। पर्सनलाइज में जाने के बाद थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग यहाँ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप इन ऐप्स को अपने डेस्कटॉप पे लाना चाहते हो तो सिंपली आप इस पर टिक कर लोगे जिस जिस ऐप को लाना हुआ, और यहाँ से आप अप्लाई करके ओके कर दोगे। अब आप देख सकते हो ये ऐप्स आ चुके हैं, कंट्रोल पैनल, दिस पीसी, नेटवर्क। इसके अलावा अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको ऐप्स का लिस्ट मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐप्स का लिस्ट नहीं मिलता है तो इसके लिए आप सिंपली राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइज में चले जाओगे, स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू, इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे ये आपका स्टार्ट मेन्यू है, इसमें आपको ऐप्स का लिस्ट मिल जाता है। तो यहाँ से आपको इस लिस्ट में से अल्फ़ाबेट वाइज ऐप मिल जाता है, सिंपली आपको ऐप को ढूंढ लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो बी के बाद डब्लू आता है, डब्लू से व्हाट्सअप स्टार्ट होगा, तो व्हाट्सअप ऐप यहाँ पे मुझे दिख जाता है, ये इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपली इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट करने के लिए आप इसको होल्ड करके ड्रैग करोगे और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप का आइकन दिख जाता है। सिमिलरली आप जिस भी ऐप को ड्रैग करके होम स्क्रीन पे लाना चाहते हो यहाँ पे आप ला सकते हो। ये क्रोम आ गया, ये व्हाट्सअप आ गया, ये वो ऐप्स हैं जो कि लैपटॉप में इंस्टॉल थे लेकिन इसका शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ नहीं था। तो इस तरह से आप अपने डेस्कटॉप पे आइकन्स को ला सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से ही उसको यूज़ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो।